बात यह है। बहुत अच्छी अपील एलबीडब्ल्यू की, अंपायर अब भी देख रहे हैं और नॉट आउट। ऊंचा शॉट, देखना होगा कि, और बहुत अच्छी ट्राई फील्डर की जानिब से, बहुत अच्छा पैडल बैक पीछे की जानिब दौड़े और कोशिश उन्होंने भरपूर की और आखिरी वक्त में जंप किया जो बहुत हैरान कुन बात थी, और बैकफुट पे चलते चले गए और उसके बाद कप्तानी भी उनकी गई और टीम से बाहर हो गए। एंड दैट्स अ गुड शॉट, और ये गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन के, और बैकफुट पे गए, पुल किया मिड विकेट की जाने, बड़ा उम्दा स्ट्रोक और किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, 4 रन। उमेर और सुलेमान की बड़ी अच्छी शुरुआत, अरहम क्रिकेट क्लब 37, कोई खिलाड़ी आउट नहीं 4 ओवर्स के बाद, जो किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ बहुत खुशाइन है इनकी टीम के हवाले से। डाउन द लेग साइड ये गेंद थी, फाइनल लेग की जानिब जा रही है, 4 रन यहां पर मिलेंगे, अंपायर का इशारा लेग बाय का, यहां पर एक और अच्छा गैप तलाश किया, 4 रन मजीद मिल गए हैं। सो बैक टू बैक हम देख रहे हैं बाउंड्रीज यहां पर हासिल हुई, पहले लेग बाय और उसके बाद बल्ले से 4 रन। अच्छा टैप करके सिंगल लिया है, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, अशरफ जिन्होंने गेंद की है और बड़ा खूबसूरत शॉट यहां पर, फास्ट बॉलर के ऊपर लगाना आसान नहीं होता लेकिन एक अच्छा शॉट और 4 रन यहां पर हासिल किए। बहुत ही अच्छा पुल शॉट मिड विकेट की तरफ, पीछे गिरे हुआ गेंद को वेट किया उमेर बिन यूसुफ ने और 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। इस बार फाइनल लेग की जानिब निकाल दिया है, फील्डर बाहर रहे लेकिन गेंद को रोक नहीं सकेंगे, 4 रन यहां पर मिले हैं, भरपूर नजर आए हमें ऑलमोस्ट हरी ओवर में। फवाद की अगली गेंद, फ्लाइट के साथ ये गेंद की थी, इसको शॉर्ट के ऊपर ड्राइव किया और इसको थ्रो किया था, लगता है ऐसे आजम खान के, काफी बुरी तरह ये जो लगी है जो बॉल के बाद स्टंप्स को हिट किया और बेल्स उड़ के इनके लगी हैं आंख पर, ये थ्रो और इस थ्रो को किया, ओ जो बेल्स हैं चेहरे पर आकर लगी आजम खान के, साथ साथ ऑफिशियल स्कोर इमरान भी मौजूद थे, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे लेकिन एच हुआ और रसद शफीक के पास गेंद और ओवर थ्रो कर यहां पर हासिल हो जाएगा, मजाक में रन हासिल हो गया, असद शफीक जिन्होंने इसको थ्रो किया लेकिन जो सरफराज है उनको ये बात अच्छी, बेसिकली थ्रो की थी उन्होंने, अब देखना होगा कि एम्पायर ने ओवर दे दिया था थ्रो करने से पहले या नहीं, क्योंकि अगर आप अंडर आर्म थ्रो करते हैं, अगर एम्पायर ने ओवर दे दिया तो फिर तो ये डेड बॉल हो जाती है, इसमें तो कोई रन नहीं काउंट होगा। कदमों का इस्तेमाल, इस बार ऊंचा शॉट खेला है और ये एक शॉट चला गया लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 6 रन यहां पर मिले हैं, जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल उमेर बिन यूसुफ की तरफ से, कैच आउट हो गया, एक और ऊंचा शॉट है, कैच हो सकते हैं और फाइनली इस कैच को फहीम अशरफ ने ले लिया है और आई गैस के टीवी अंपायर इसको चेक करेंगे, खालिद महमूद सीनियर के ये कैच है या नहीं, लगता ऐसे है कि बॉल डिप खाया लेकिन वो आपके फिंगर नीचे होती है तो उस हिसाब से आप लिफ्ट कर जाते हैं। दायर आपको क्या लगता है, ग्रीन लाइट इज ऑन, इसका मतलब ये है नॉट आउट, ऊंचा कैच हिट की कॉल है, क्या आप कैच होंगे, ये क्लीन कैच है, इसके लिए टीवी अंपायर के पास सिर्फ नो बॉल चेक करने जाएंगे और सोहेल अख्तर थे ये जिन्होंने ये कैच लिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। मान 26 रन बना सके, 26 बॉलों का सामना किया, 4 चौके थे और 100 रन का स्ट्राइक रेट, एक इंडिया के सबा करीम मार्क बाउचर, साउथ अफ्रीका के और इंग्लैंड के भाई क्रेग काइस्वीटर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ही डेंजर तरीके से बैच लगी थी, तो रमजान क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमबैक भी किया है और यहाँ पे इसी दौरान है, अच्छा कलेक्शन था आजम खान का, ईशान मंगेश बगैर पे रन बनाए आउट हुए 73 पे 2 ने, नाजमाबाद को ही देखते हुए कहा था, बड़ी अच्छी फील्डिंग की है पॉइंट पे यहाँ पे असद शफीक ने,
कि चलते हैं तो चमन को चलिए सुनते हैं बाहर हैं, चलते हैं तो चमन को चलिए सुनते हैं बाहर हैं, कम कम फूल खिले हैं, कम कम बादो बार हैं। सॉरी पॉइंट पे इस पर तबा खेले अच्छी फील्डिंग बिल्कुल अच्छी गेंद एज हुआ और कैच लेने में कामयाब हुए आजम। अजबों का इस्तेमाल थोड़ा जल्दी कर गए उमर बिन यूसुफ। गेंद काफी ऊंची हवा में फंबल हुआ और दो तीन अटेम्प्ट के बाद सरफराज कैच करने में कामयाब हुए और बगैर ग्लव्स के सरफराज कैच करने में कामयाब हुए। सरफराज पहले अटेम्प्ट में गेंद को कैच नहीं कर सके, दूसरी में और फिर तीसरी कोशिश में उन्होंने इसको कैच किया। तीन विकेटें अभी ऊपर तले गिरी थी उमर को थोड़ा सा जोर अपील यहाँ पे आजम की जानिब से और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद। पूरी तरह उस्मान शाह एक रन बनाया। 14 फैसिलिटीज का यहाँ जवाब नहीं, बड़ी ये एक एक्स्ट्रा कवर पे गैप निकालने में कामयाब और चार रन। फाइव स्टार होटल भी तामीर के मराहल में और ये कैच उमर अकमल के पास, उमर अकमल ने कैच थाम लिया और यू एक और नुकसान। लेकिन बहरहाल शाहजेब भट्टी जो है वो आउट होने के बाद वापस जा चुके हैं जिन्होंने चार रन बनाए 12 गेंदों पे। और जैसी जोरदार शॉट ऑफ स्टंप पे, बहुत उम्दा शॉट, चार रन। जी हाँ, आखिरी लम्हात में जरूर इन बाउंड्रीज की जरूरत है और अशद जरूरत है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये बॉल थी और इसको कवर एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से खेले हैं चार रन के लिए। एक और बॉल क्रिस को निकाल दिया है थर्ड मैन की जाने, लेकिन मीर हमजा मौजूद है तो सिंगल यहां पर हासिल हो जाएगा। जमीन से उठाकर हमने देखा कि अर्श पर बैठाए उन्होंने तमाम ऐसे प्लेयर्स को और इस बार एच हुआ है और गेंद जा रही है चार रन के लिए विकेटों के पीछे। तो इसके साथ ही स्कोर पहुंचा 104 6 विकेटों के स्थान पर। इस गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया, अच्छा स्ट्रोक, फील्डर दौड़ रहे हैं मगर रोकने का मौका नहीं और गेंद मिड विकेट पोजीशन पर बाहर, चार रन। पहला रन दौड़ा था तो उनकी ख्वाहिश भी यही थी स्ट्राइकर की। अब बोल्ड कर दिया फवाद की बड़ी उम्दा बॉलिंग, इकोनॉमिकल भी और विकेट्स भी उनको मिल रही हैं, उनकी दूसरी कामयाबी। सामना किया डाउन द विकेट आए, ऊंचा स्ट्रोक ओवर द हेड ऑफ बॉलर और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। की जबरदस्त प्रोडक्शन जो कि आप लाइव देख रहे हैं कॉरपोरेट रमजान कप 2022। इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन सिर्फ दौड़ सकते हैं क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जबरदस्त और उम्दा बैटिंग का मुजाहिरा, काशिफ चौके, चौका, फिर दुक्का और फिर छक्का और बोल्ड कर दिया। पीछे हटकर गेंद को थर्ड मैन या पॉइंट की जानिब से गाइड करना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया और काशिफ बोल्ड हो गए मगर आउट होने से कबल उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। कमबैक बड़ा जबरदस्त भी हमजा ने किया, हट के शॉट लगाना चाह रहे थे, इम्प्रोवाइज कर रहे थे पॉइंट की जानिब, फॉलो किया मीर हमजा ने उनको और बहुत अच्छी यॉर्कर मारी। काशिफ इनिंग्स का खात्मा हुआ, 35 रन काशिफ ने बनाए, 25 बॉलों का सामना किया। काफी लंबा रन अप है फहीम अशरफ का, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई और डॉट के साथ आगाज किया तो महज 5 गेंदें इस इनिंग्स की बाकी। भी हुआ लो फुल टॉस का, एक और बेहतर गेंद, दूसरे रन के लिए मुड़े बैट्समैन और 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए, कीमती रन। इस जबरदस्त और इंटरटेनिंग क्रिकेट से इस गेंद को ड्राइव किया है, एक रन बना के दूसरे के लिए कमबैक करेंगे। जहां थ्रो ऑन द वे, थ्रो विकेटों में भी लगा और अंपायर ने थर्ड अंपायर की जाने फैसले को रेफर किया है। डायरेक्ट हिट हुई थी और रेफर हुआ था थर्ड अंपायर की तरफ, नॉट आउट करार दिया है और इस तरह 141 रन का टारगेट यहां पर दिया है।
9 रन एक्स्ट्रा के रहे, 42 रन बनाए उमेर यूसुफ ने, 26 रन बनाए सलीम ने, 35 रन डाउन दी ऑर्डर काशिफ ने बड़े वाइटल और इम्पोर्टेंट बनाए। बॉलर्स में दो खिलाड़ी आउट किए मोहम्मद असगर ने और दो ही विकेट मिली फवाद खान। एक रन के साथ अपने स्कोर का आगाज किया। थर्ड मैन की जानिब खेले, एक रन हासिल किया। उठा के खेले सुहेल अख्तर और चार रन आसानी के साथ हासिल कर जाएंगे। और इस मरतबा बहुत ही अच्छा कैच, शॉर्ट थर्ड मैन पोजीशन पे बड़ी हिट खेलना चाहते थे उमर अकमल। आउटर एज लेने के बाद गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के हाथों में और उमर अकमल मायूसी के साथ, गुज़िश्ता मैच में भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। यहाँ थोड़ा फ्लाइटेड बॉल था, ऑफ स्टंप पे पिच हुआ और थोड़ा स्पिन मिला जिसकी हम बात करेंगे। बहुत ही शानदार कैच, एक रन बनाया 6 पर 1। हवा में गेंद और कैच करने में कामयाब, एक और कामयाबी। क्लीन कैच है, यानी आप देखिएगा जब यहां पे कैच किया है तो क्या कैच कंट्रोल कर गए थे। यहां से देखिएगा ये यहां से पता चलेगा। ये देखिएगा मेरे ख्याल में कैच ही क्लीन कैच ही होगा क्योंकि जब गेंद उछाल रहे थे जब इनके हाथ से बॉल गिरा है। बड़ी विकेट हासिल किया सर शफीक की सूरत में। वलीद कंटिन्यू करेंगे, उमर अकमल की विकेट हासिल की थी, बड़ी कीमती विकेट हासिल की थी उमर अकमल की। पकड़ो, पकड़ो। आगे खेले और एक और विकेट, तीसरी कामयाबी। ये के बाद दिख रहे विकेट गिरने का सिलसिला जारी। जी हाँ, बड़े जबरदस्त बॉलिंग वलीद की तरफ से और जो निडर होकर बॉलिंग करना, मतलब फ्लाइट देना सर्कल के अंदर बॉल करना और बड़ी जबरदस्त फ्लाइटेड बॉल थी। ऑफ स्टंप पे गिरा हुआ गेंद कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे और सही तरीके से आगे खेले स्पर्धाबाद सुहेल अख्तर एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे 6 रन के लिए। सुहेल एक एंड पे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मगर दूसरे एंड से मुसलसल विकेट गिरी। अच्छा शॉट सरफराज अहमद का और देखना होगा कि ये बाउंड्री है या सिक्सर। बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज किया था सरफराज ने, एक कदम पर बैठकर गेंद घुटने पे बैठे और गेंद को स्वीप कर दिया और लॉफ्टेड स्वीप किया और गेंद लगता है कि एक टप्पा खा गई है बाउंड्री के अंदर और उसके बाद बाउंड्री से बाहर निकली। 2.3 ओवर 12 रन देके 2 विकेटें, जबरदस्त बॉलिंग का फिगर T20 फॉर्मेट में। फाइन लेके जाने गेंद तेजी के साथ आ रही है, बिल्कुल बाउंड्री करीब फील्डर पहुंचे मगर रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री से बाहर लेग वाइज की सूरत में 4 रन्स। और इस मरतबा पिक्ड ऑफ, जोरदार शॉट सोहेल अख्तर का और गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन्स। और बहुत कुछ कहते सुनते भी थे प्लेयर्स के साथ। और इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, ओह माय वर्ड्स, क्या इन्होंने ये मैच छोड़ दिया है या फिर सिर्फ कैच ही छोड़ा है। ये हम देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का लगाने की ख्वाहिश थी, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ खेले, फील्डर गेंद के नीचे आए, आसान कैच था मगर गेंद उनके हाथों में आने के बाद निकल गई। में पड़ रही है यहाँ पर कोई भी फैक्टर हो लेकिन सरफराज अहमद और एक और मौका, लेकिन एक और मौका भी मिस हो गया। इस दफा सुहेल अख्तर ने मौका दिया था। ये वो मंजर, सुहेल अख्तर पुल किया बॉल को और फील्डर पहुंचे थे लेकिन ये मैं इसको ड्रॉप कैच नहीं कहूंगा, वेल ट्राई। पीछे गिरे गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला सरफराज ने और बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन हासिल किए।
शाहजेब अहमद फ्लाइटेड बॉल और अपील और सरफराज आउट। बहुत बड़ी विकेट हासिल की है यहां पर आरएम क्रिकेट क्लब ने और इस कैच के बाद काफी हावी हो जाएगी आरएम क्रिकेट क्लब। 24 रन बनाए 69/5। इस मरतबा शॉर्ट बॉल उठा के खेले गैप में खेले और कोशिश के बावजूद फील्डर इस गेंद को नहीं रोक सके और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कासिम अकरम आगे निकलकर खेले गेंद थोड़ा सा स्लो आया उनकी तवक्को से। फहीम अशरफ ऊंचा शॉट खेला है सीधा और 4 रन। जी और सबसे बड़ी बात ब्रॉडकास्ट होता हुआ टूर्नामेंट और बोल्ड हो गए कासिम अकरम। बहुत अच्छी बॉल जैसी अली अभी कह रहे थे कि बेहतरीन परफॉर्मेंस शाहजेब अहमद खान की तरफ से टाइमली उन्होंने विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। रन बनाकर आउट हुए 86/6। मरतबा टाइम नहीं कर सके फील्डर के सर के पीछे गेंद दो रन के स्कोर में मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छी बात के लिए आपने और रहम नाम की कोई चीज क्रिकेट में होती नहीं किसी भी खेल में नहीं होती और यकीनी तौर पे यहाँ पे टीवी अंपायर खालिद महबूब सीनियर को चेक करना पड़ेगा लेकिन फुल मार्क्स टू द फील्डर। क्या एफर्ट जबरदस्त एफर्ट की है ये तो बाहर जाके रोका। ओ लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना पैर उठा लिया सेफ। लॉन्ग ऑन बोल्ड कर दिया इस बार उस्मान जो कि कामयाब रहे विकेट लेने के लिए ऐसे लम्हात में कि जब रन की जरूरत थी उमर एसोसिएट्स को विकेट गंवा दी। एक रन बनाया इन्होंने 3 गेंदों पर और 102 रन 7 खिलाड़ी आउट 17वें ओवर में। दे आर इन मायर एंड डायर स्ट्रेट्स। फेंसी करें किसी चीज को। मीर हमजा ने इस गेंद को लॉफ्ट किया और खूबसूरती के साथ लॉफ्ट किया और एक मच नीडेड बाउंड्री और बर वक्त बाउंड्री 6 रन की सूरत में यहां पर। और गोज अगेन एक और बड़ा जोरदार शॉट। मुकाबले में सनसनी आ गई है और एक ट्विस्ट इन द टेल जिसे कहना चाहिए मीर हमजा की जबरदस्त बैटिंग से। बड़ा शानदार छक्का था जो कि उन्होंने लगाया और आई थिंक ये बॉल भी ऐसा बैट बॉल था क्योंकि शॉर्ट गेंद था स्लो था और इसको बड़ी आसानी से 6 रन के लिए मीर हमजा ने अपने डग आउट में फेंक दिया। जी हां और मबहूत होकर रह गए शायद नवाब। और इस बार बोल्ड कर दिया वही शॉट खेलने की कोशिश की चाह रहे थे कि मिड विकेट बाउंड्री से छक्का यहां पर मिल जाए लेकिन इस बार वो नहीं हो सका जो पिछले ओवर में हुआ था। मीर हमजा की लिटिल कैमियो 4 गेंदों पे 12 रन मुकम्मल 115 पे 8 16 गेंदे 26 रन चाहिए। यस बिग हिट क्या गेंद फील्डर के पास जाएगी नहीं कैरी नहीं किया गेंद ने बाउंस के बाद पहुंची फील्डर के पास रन आउट की कोशिश और थर्ड अंपायर की जानिब डिसीजन रेफर किया है जहां पर खालिद महमूद मौजूद हैं। आज बिल्कुल नहीं ले सके लेकिन जो बॉल को स्टॉप किया और फिर थ्रो किया कमाल की फील्डिंग का मुजाहरा और खासतौर पर आखिरी लम्हात में इस तरह की फील्डिंग गजब की फील्डिंग है। 9 down for 117 9 गेंदों पे 24 रन चाहिए मोहम्मद इरफान और फहीम अशरफ दो टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के। क्या नया नाजमाबाद में ये कर सकते हैं कि नहीं जितना इनका कद है एक दो ऐसी लंबी हिट्स लगा दें मोहम्मद इरफान तो वो काफी हो सकती हैं पर ये वो स्ट्रोक जिसके नतीजे में फहीम तो बचे थे कैच होने से लेकिन रन आउट हो गए असगर। कमाल की फील्डिंग की है ऊंचे लंबे कद के मोहम्मद इरफान स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और मोहम्मद इरफान का ऊंचा स्ट्रोक जो कि मिसक्यूड है लेकिन गेंद गिरी है खाली जगह पर दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और आसानी के साथ एट द एंड दूसरा रन मुकम्मल। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस इरफान गॉट गेट अवे फील्डर दौड़ रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री पर स्लाइड करके गेंद को रोकने में तो कामयाब हुए मगर अब क्या ये उन्होंने सही अंदाज में रोक लिया या नहीं ये चेक करेंगे अंपायर। ये देखिए कि इन्होंने हाथ से रोका और ये इनका पांव उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथ में गेंद है और पांव बाउंड्री से टकरा रहा है। वाओ ड्रामा
लॉट ऑफ ड्रामा एट द फैग एंड ऑफ दिस मैच. ड्रामा यहाँ पर मौजूद है अभी भी इस मैच में और चार रन यहाँ पर मिल गए हैं. सो देयर यू गो, ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ. 9 विकेट पे 124 रन. फर्स्ट बॉल ऑफ द फाइनल ओवर, स्विंग कर दिया. फाइन लेग पे फील्डर मौजूद एक टप्पे के बाद, गेंद उनके पास जरा दाएं बाएं खेलते, बॉल लूज थी मगर फायदा नहीं उठा पाए. इस बार एलबीडब्ल्यू की अपील, बड़ी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कहा नो इज नॉट आउट. अगर नहीं लग रहा आपसे तो मुझे स्ट्राइक दें, मगर फहीम ने कहा नहीं, अभी मैच खत्म नहीं हुआ. डाउन द पिच गोज एंड अवे गोज द बॉल, काफी दूर मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, जोरदार छक्का एंड स्माइल इज बैक विद सरफराज. तो तीन गेंदों पे 11 रन दरकार हैं. क्या फतह मिलेगी उमर एसोसिएट को, क्या फतह मिलेगी यहाँ पर ऑपोजिशन को यानी कि आरएमसीसी को, या फिर ये मैच टाई होगा और सुपर ओवर में जाएगा. ड्रामाई मैच 200 रन वाले हों, ये 140 वाले मैच भी बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर दोनों तरफ से बहुत ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेली जाए. एक और अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट पे फील्डर, जिन्होंने गेंद को रोक लिया और इस बार सिंगल लेने की कोशिश नहीं की फहीम ने. अब दो गेंदें 11 रन चाहिए, जीतना है तो छक्के ही मारने पड़ेंगे. टाई के लिए एक चौका और एक छक्का भी काफी हो सकता है. प्रेशर में देखते हैं कैसी बॉलिंग करेंगे शाहजेब भट्टी. डाउन द विकेट आई फहीम, ऊंचा स्ट्रोक, हैजी कॉट द डिस्टेंस, नहीं, और जबरदस्त कारकर्दगी और इस तरफ एक गेंद 11 रन. फहीम अशरफ बेबसी की तस्वीर बने खड़े हैं. टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मगर नॉट आउट रहने के बावजूद अगर आपको कोई आइडिया नो नहीं होती है तो ये मैच जो है वो हार कर जाएंगे. तो एक बॉल 11 रन है यहाँ पर और फहीम अशरफ ने कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल को मिस किया और इस तरह से आज हमने देखा इस टूर्नामेंट का बड़ा अपसेट कि जहाँ पर उमर एसोसिएट की टीम को शिकस्त हुई, जहाँ पर नामवर खिलाड़ी मौजूद थे, एक से बढ़कर एक मौजूद थे, लेकिन अरहम सीसी जिसने ये मैच 10 रन से अपने नाम कर लिया है. और रात के इस पहर में, यह कहना चाहिए सुबह जब शुरू हो रही है, तो उस वक्त नैना जबाद रमजान कॉर्पोरेट कप में यह मैच आरएमसीसी ने 10 रन से जीत लिया. बहरहाल मौका है उनके पास आगे जाने का. फहीम अशरफ जिन्होंने 26-29 किए और हमने देखा बड़े बड़े नाम जिसमें सोहेल अख्तर, उमर अकमल, असद शफी, मोहम्मद आजम यानी कि आजम खान, सरफराज अहमद, कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके राणा. बॉलर्स में तीन खिलाड़ी आउट किए. वलीद आजम ने सिर्फ 18 रन देकर और 20 रन देकर तीन विकेटें. शाहजेब अहमद की टेरिफिक बॉलिंग परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ करें बॉलर्स की वो कम है. मैच समरी आपकी स्क्रीन पर. 8 विकेट पे 140 बनाए जिसमें उमर के 42, काशिफ के 35 थे. फवाद और असगर ने दो दो खिलाड़ी आउट किया और जवाब में उमर एसोसिएट को महदूद कर दिया 9 विकेट पे 130 पे. फहीम 29 रन पे नॉट आउट रहे, 24 रन किए सरफराज ने, सोहेल ने 23, तीन तीन खिलाड़ी आउट किए वलीद और शाहजेब ने.